हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें, और अगर कोई इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने 12th चैप्टर करवाया था, दुग्ध रसायन मिल्क केमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम करवा रहे हैं मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कहते हैं कि मृदा निर्माण एक संश्लेषण और एक विघटन प्रक्रिया है, यानी इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है और इसमें विनाश की प्रक्रिया भी होती है। पहले क्या होता है, विनाश की प्रक्रिया होती है, उसके बाद संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। विनाश की प्रक्रिया में होता क्या है, चट्टानों का विनाश होता है और चट्टानें अपघटित होकर किस में बदल जाती हैं, खनिजों में। फिर खनिजों का अपघटन होता है और खनिज अपघटन होने से किसका निर्माण होता है, मृदा का। तो पहला प्रक्रम जो होता है वो विनाश का प्रक्रम होता है। दूसरे प्रक्रम में धीरे धीरे क्या होता है, मृदा में विभिन्न प्रकार के संस्तरों का निर्माण होता है, जैसे ओ ए बी सी, ठीक है, आर, ये सारे के सारे संस्तरों का निर्माण होता है जिससे मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। इसीलिए बोला गया कि मृदा निर्माण एक संश्लेषणात्मक और एक विघटन प्रक्रम है। इसके अंतर्गत क्या होता है, असंगठित चट्टानें अपक्षयित होकर मृदा का निर्माण करती हैं। वृषा की प्रकृति का प्रचंडता, आवृत्ति तथा वितरण का मृदा निर्माण पर सीधा असर पड़ता होता है, कि वर्षा का प्रचंडता यानी बिजली के जो कड़कने वगैरह हैं, इन सब का मृदा के निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। कहते हैं कि चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है। चट्टानों और खनिजों का जब अपक्षय होता है तो उनसे मूल पदार्थों का निर्माण होता है। फिर कहता है कि इन प्रक्रियाओं के उपरांत क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, शुरू में विनाश की प्रक्रिया चलती है जिसमें चट्टान और खनिज ये सब अपक्षयित होकर क्या करती हैं, मृदा का मूल पदार्थ का निर्माण करती है, मृदा के मूल पदार्थ का निर्माण करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संस्तरों का विकास होता है जिससे मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है वी डोकुचेव को। किसको बोला जाता है, वी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके अनुसार मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थों, जलवायु एवं जीव मंडल उत्तरदायी था। उसने सिर्फ तीन पदार्थों को मेन माना, एक तो माना किसको, पैतृक पदार्थ को, एक माना किसको, पेरेंट मटीरियल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेरेंट मटीरियल। उसके बाद जलवायु, जलवायु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लाइमेट, क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। और एक था जीवमंडल, यानी जिसे बायोस्फेयर बोला जाता है। जीवमंडल को क्या बोला जाता है, बायोस्फेयर बोला जाता है। तो उसने सिर्फ तीन कारकों को उत्तरदायी माना, पैतृक पदार्थ और जलवायु और जीवमंडल। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, जैनी ने क्या किया, इन कारकों के मृदा का निर्माण के संबंध में एक सूत्र व्यक्त किया कि ये जो कारक होते हैं और मृदा का निर्माण है उनमें क्या संबंध है, उसे उसने एक सूत्र से रिप्रेजेंट किया। सूत्र ये है S=FCLBRPT। यहाँ इसका क्या मतलब है, सी एल का मतलब होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जलवायु। बी का मतलब होता है बायोस्फेयर, क्या होता है, बी का मतलब बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर का मतलब होता है जीव मंडल। आर का मतलब यहाँ होता है रिलीफ होता है, और रिलीफ आया है किसके लिए, स्थल आकृति के लिए, ठीक है, रिलीफ बोलते होते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा पी, पी क्या होता है, पी होता है पेरेंट मटेरियल, पी क्या होता है, पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थों को बोला जाता है पी। और टी क्या आता है, टी आता है टाइम के लिए, टी किसके लिए आता है, टाइम के लिए। तो जैनी ने ये बोला कि मृदा का जो निर्माण होता है वो पांच कारकों पर निर्भर करता है, किस किस पर, जलवायु पर, जीवमंडल पर, स्थल आकृति पर, पैतृक पदार्थ पर और समय पर। ये पांच कारक मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को इसने आगे दो भागों में बांट दिया गया, कुछ भाग को तो इसने सक्रिय कारक बोला और बाकी के बचे हुए को इसने निष्क्रिय कारक में सम्मिलित कर दिया। तो कहते हैं कि सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। सक्रिय कारकों में दो आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जलवायु और क्या, जीव मंडल, जिनसे क्या होती है,
ऊर्जा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है निष्क्रिय कारक। तो निष्क्रिय कारक जो होते हैं इनके अंदर तीन पदार्थ आते हैं, कौन कौन से? स्थल आकृति, पैतृक पदार्थ और समय। समय निष्क्रिय होता है, ठीक है। कहते हैं कि वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत एवं उनको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस किस को निर्माण प्रतिनिधित्व करते हैं? मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत एवं उनको प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेन बात ये ध्यान रखने, सक्रिय कारक वो होते हैं जो मृदा निर्माण का कार्य करते होते हैं, जो मृदा के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वो सक्रिय कारक कहलाएंगे, और जो मृदा के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ना लेकर उसको प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निष्क्रिय कारक कहा जाता है। तो आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम हमारा पेपर के अंदर पूछा गया था। इस पे पूछा गया था कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये सारा का सारा चित्र पेपर में 2 नंबर का आया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये डायग्राम वगैरह भी ध्यान रखने हैं। मृदा निर्माण कारक को 2 भागों में बांटा गया है, सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक के 2 भाग हैं, निष्क्रिय कारक के 3 भाग हैं। सक्रिय कारक में जलवायु और जैव मंडल आते हैं, निष्क्रिय कारक में पैतृक पदार्थ, स्थल आकृति और समय आते हैं। जलवायु में तुम्हारा वर्षण और तापक्रम 2 दिया हुआ है। अभी यहाँ देखो बहुत सारी केमिकल डायग्राम में यहाँ क्लाइमेट का, क्लाइमेट में 2 चीज़ें बताई हुई हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल यानी वर्षा और तापमान। यहाँ लिखा हुआ है विंड एंड वाटर यानी हवा और पानी। एरोजन ऑफ रॉक्स का क्या मतलब होता है? चट्टानों का अपक्षय होना। इधर साइड प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। इधर केमिकल एक्शन यानी रासायनिक क्रिया, ग्लेशियल एक्शन यानी कि बर्फ और ये हिमजल वगैरह, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो देख लो रासायनिक प्रभाव भी पड़ रहा है, वर्षा और हिमजल का प्रभाव भी पड़ रहा है, जलवायु का प्रभाव भी पड़ रहा है। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? ये मृदा में देखो एनिमल्स दिए हुए हैं, अर्थ वॉर्म्स यानी कि क्या होते हैं? केंचुए। उसके बाद अलग अलग दिए हुए हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है बहुत ध्यान से। अब हम देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो 5 कारक हैं उनके बारे में बताइए। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। देखो इतना बड़ा बड़ा तो थोड़ा ही लिख दोगे आप लोग, भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मेन मेन बातें ही लिखनी है उसके अंदर। तो वो मेन मेन बातें हम बता देते हैं क्या होता है आप लोगों को। अब जैसे ये मान लो टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर कितना बड़ा दिया हुआ है, सॉरी जलवायु। तो जलवायु आप इतना बड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, इसमें मेन मेन जो लाइनें आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में आप लोग सिर्फ उसके अंदर वर्णन कर देंगे। तो हम देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। जलवायु मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, जलवायु के मुख्य तत्व वर्षा और तापक्रम होते हैं। कहते हैं जल की मात्रा किस किस को प्रभावित करती है? अपरदन और अंतःस्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। अंतःस्रवण द्वारा निक्षालन और निक्षेपण प्रक्रम होते हैं। अंतःस्रवण के अंदर 2 प्रक्रम आते हैं, कौन कौन से? निक्षालन प्रक्रम और कौन सा आता है? निक्षेपण प्रक्रम। अपरदन का तो मतलब क्या होता है? अपरदन का तो मतलब होता है कि मृदा की जो ऊपरी सतह है उससे मिट्टी का क्या हो जाना, बह जाना। किसके थ्रू? हवा या पानी के द्वारा मृदा के ऊपरी सतह पर जो मृदा सॉरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ये जो मृदा पाई जाती है उसका पानी या वायु के द्वारा क्या होना, यहाँ से हटकर कहीं और चले जाना, ये तो क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अंतःस्रवण के अंदर 2 चीजें शामिल है, निक्षालन और निक्षेपण। निक्षालन क्या होता है? पोषक तत्वों का पानी के साथ घुलकर नीचे जाना, निक्षालन और नीचे जाके जमा हो जाना निक्षेपण कहलाता है। कि जो पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर नीचे के स्तरों में जाने लगते हैं तो नीचे की तरफ जाने की ये क्रिया निक्षालन कहलाती है, और जब ये नीचे जाकर जमा हो जाते हैं तो इनके जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। और ये दोनों ही प्रक्रिया संस्तरों के विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। आगे कहते हैं शुष्क तथा उपाद्र क्षेत्रों की मृदाओं में उपस्थित जल का वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास हो जाता है। शुष्क प्रदेशों के अंदर जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसका कैसे ह्रास होता है? वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उसका ह्रास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप खनिजों का अपक्षय भी होता है। मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं जा पाते,
एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। मृदा के अंदर जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं जा पाते एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु न्यून आर्द्रता की दशाओं में जैविक अंश कम पाया जाता है, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में जैविक क्रियाएं अधिकाधिक होने के कारण जीवांश पदार्थों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अब देखो ये क्या कहता है, कहता है न्यून आर्द्रता की स्थिति में, यानी जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब नमी कम होगी तो देखो सूक्ष्म जीव भी कम काम करेंगे, और सूक्ष्म जीव कम काम करेंगे तो जैविक पदार्थों का जो अपक्षय होगा वो भी कम होगा, इसीलिए वहाँ जैविक अंश कम पाया जाता है। लेकिन जहाँ बारिश होती है वहाँ पर्याप्त नमी पाई जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीव भरपूर काम करते हैं और जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करते रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। आर्द्र देशों की, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय प्रक्रिया एवं पौधों की वृद्धि के लिए जल की उपलब्धता होती है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता और अपक्षय में वृद्धि के कारण मृत्तिका का निर्माण होता है। तो आर्द्र प्रदेशों में लगातार जल की उपलब्धता के कारण वहाँ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ अपक्षय में लगातार क्या हो रही है, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करने के कारण, जीवांश पदार्थों के द्वारा विच्छेदन होने के कारण अपक्षय में लगातार वृद्धि होती रहती है, और इसीलिए वहाँ मृत्तिका का निर्माण होता है। मृदा निर्माण प्रक्रम तापक्रम द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। ये तो सब क्या चल रहा था, वर्षा के बारे में चल रहा था। देखो आप लोगों को अगर इसमें समझ ना आया हो तो आप सीधा ध्यान रखो कि भाई जलवायु जो है उसको दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक जो प्रभावित करता है वो होती है वर्षा, और दूसरा कारक जो प्रभावित करता है वो करता है ताप। वर्षा में आप ये लिख देना कि शुष्क प्रदेशों में वर्षा क्या होती है, कम होती है। शुष्क प्रदेशों में वर्षा कम होने के कारण वहां नमी कम पाई जाती है, और नमी कम पाई जाती है तो वहां जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन होता है वो भी कम होता है। लेकिन आर्द्र प्रदेशों में जहाँ वर्षा की अधिकता पाई जाती है वहां जीवांश पदार्थों का लगातार विच्छेदन होता रहता है, जिससे मृत्तिका का निर्माण होता है। बस इतना लिख दे, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं क्या तापक्रम की, तो तापक्रम जो है वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ये कहते हैं इसके द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। याद करो जब हमने भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमारा एक जो टॉपिक था वो तापक्रम ही था। इसमें हमने पढ़ा था कि चट्टान लगातार क्या करती हैं, ताप की उपस्थिति में ताप बढ़ने पर फैलती हैं और ताप कम होने पर सिकुड़ती, और इनके लगातार फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, अपक्षय हो जाता है चट्टानों का और वो टूट जाती हैं। उसके बाद तापक्रम में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर लगभग दोगुनी हो जाती है। मृदा तापमान में वृद्धि से अपक्षय में भी वृद्धि होती है तथा मृदा में क्ले की मात्रा भी प्रभावित होती है। आर्द्रता एवं दूसरे कारक के यथावत रहने की स्थिति में जब औसत वार्षिक तापक्रम में बढ़ोतरी होती है, क्या कहता है, आर्द्रता एवं दूसरे कारक के यथावत रहने की दशा में जब औसत वार्षिक तापक्रम में बढ़ोतरी होती है तो शीत प्रदेशों में जीवांश पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आर्द्रता की कमी के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। इसके विपरीत आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में पर्याप्त नमी होने के कारण अपक्षय और निक्षालन ज़्यादा होता है। इस कारण कैल्शियम निक्षालित हो जाता है एवं एल्यूमिनियम तथा लोहा मृदा सतह पर इकट्ठा होने के कारण अम्लीय मृदाओं का निर्माण करते हैं। देखो आप लोगों को इसमें सिर्फ ये बात लिखनी है कि जहाँ बारिश कम है, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर उपस्थित जो सारे प्रकार के पोषक पदार्थ पड़े हुए हैं, वह अम्लीय पदार्थ भी पड़े हुए हैं, क्षारीय पदार्थ भी पड़े हुए हैं। अब बारिश तो बहुत कम हो रही है तो वहाँ निक्षालन वगैरह की प्रक्रिया तो होगी नहीं, तो वहाँ जो मृदा होगी वो ऊपरी मृदा क्षारीय होगी। लेकिन जहाँ पर बारिश होती रहती है लगातार, अब यहाँ पर दोनों प्रकार के आयन पड़े हुए हैं, एच प्लस भी पड़ा हुआ है, ए एल प्लस थ्री भी पड़ा हुआ है, एन ए प्लस, के प्लस, सी ए प्लस टू, एम जी प्लस टू, ये सब पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब जैसे ही बारिश वगैरह ज़्यादा होगी ये वाले जो क्षारीय आयन है वो तो घुलकर नीचे के स्तरों में चले जाएंगे। अब ये घुलकर जब नीचे के स्तरों में चले गए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एच प्लस, ए एल प्लस थ्री, ये सारे के सारे आयन रह जाते हैं जो मृदा को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं।
उसके बाद कहते हैं कि ये मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं एवं ऐसी मृदाओं में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है। किसमें? अम्लीय मृदाओं में। ठीक है, तापक्रम के उच्च होने के फल स्वरूप कार्बनिक विघटन तीव्र होता है जिसके कारण मात्रा में मृदा में जीवांश कम हो जाता है। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप लोगों को इतना सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो काम काम की चीज़ें लगे आप सिर्फ वो ही याद करें। इसमें थ्योरी बहुत एक्स्ट्रा दी हुई है। आगे कहते हैं कि जैव मंडल मृदा निर्माण में पौधों और जंतुओं की क्रिया और किसका जैविक अवशेष एवं अपशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। मृदा में छोटे एवं बड़े पौधे पर जंतुओं की उपस्थिति से जीवांश पदार्थों की मात्रा, इसका वितरण, स्थूल घनत्व आदि को प्रभावित करते हैं। पौधों की जड़ें चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती है। ये अनेकों प्रकार के अम्लीय पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है जो कि अपक्षय में सहायक होती है। देखो होता क्या है, जड़ों में पाई जाती है CO2। CO2 जब H2O के साथ क्रिया करती है तो किसका निर्माण करती होती है, H2CO3। और ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो बहुत काम का होता है। ये कार्बोनिक अम्ल लगातार क्या करता रहता है, चट्टानों से खनिजों से क्रिया करके उनको क्या करता रहता है, अपघटित करता रहता है। भाई अम्ल की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोर होकर आसानी से अपक्षयित हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए ये बात लिखी हुई है कि ये जो पौधों की जड़ें होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, चट्टाने होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के अम्लीय पदार्थ तथा CO2 होती है जो अपक्षय की क्रिया में सहायक होते हैं। वन क्षेत्रों में विकसित मृदा में कई संस्तर पाए जाते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह अत्यधिक निक्षालित होती है तथा सतह पर जीवांश पदार्थ घास वाली वनस्पति से विकसित मृदाओं की अपेक्षा कम अपघटित दशाओं में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थों का अपघटन धीरे धीरे करते हैं जिससे अम्ल निर्मित होता है। यह अम्ल जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्र रूप से घोल देते हैं। आप लोगों को बीच में यहाँ से यह इम्पोर्टेंट लाइन उठानी है कि सूक्ष्म जीव लगातार क्या करते रहते हैं कि जैव मंडल में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो जीवांश पदार्थों का लगातार विच्छेदन करते रहते हैं, और जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से किसका निर्माण होता है, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, और ये कार्बनिक अम्ल क्या करते होते हैं, जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्र रूप से घोलते होते हैं। कि जो चीज पानी में नहीं घुलती वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज अम्ल में आसानी से घुल जाती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। वायुमंडल से स्थिर की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत या विनाइट्रीकृत होती है। सल्फर का ऑक्सीकरण तथा फास्फेट युक्त एपेटाइट का विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यहाँ से लिखेंगे आप कि मृदा को खोदने वाले प्राणी जैसे क्या, केंचुए, चींटी, चूहे, दीमक आदि मृदा को खोदकर महीन बनाकर एक संस्तर को दूसरे संस्तर में मिलाने का काम करते हैं। मृदा निर्माण में मनुष्य भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। ये क्या करता है, अपने फायदे के लिए चट्टानों को क्या कर देता है, विघटित करके चूर चूर कर देता है, और इस प्रकार ये मृदा निर्माण में सहायता करता है। देखो ध्यान से, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, और जो जो बात मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो बात आप लोगों को लिखनी है। आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को यहाँ से लिखना है कि मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख देना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक ख़त्म कर देना है, बस। बाकी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पैतृक पदार्थ, तो पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति मृदा में पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति मृदा निर्माण में कणाकार क्ले की मात्रा वह प्रकृति पोषक तत्व सरंध्रता रंग आदि को प्रभावित करते हैं। निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। आप लोगों को यहाँ से लिखना है कि जो निर्मित मृदा होती है वो पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे बालू पत्थर क्या करते हैं, बलुई पदार्थ जैसे बेसाल्ट व चूना पत्थर मृतिका पदार्थ पैदा करते हैं। बालू पत्थर बलुई पदार्थ
जबकि बेसाल्ट और चूना पत्थर क्या करते हैं, मृतिका पदार्थ पैदा करते हैं। ग्रेनाइट का पक्ष मंद गति से होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। ग्रेनाइट से बनी जो मृदा होती है वो कौन सी होती है, बलुई मृदाएं होती हैं। तो ये देखो ध्यान से, बालू पत्थर से बलुई मृदा, बेसाल्ट और चूना पत्थर क्या करते हैं, मृतिका पदार्थ का निर्माण करते हैं। ग्रेनाइट से बनी हुई मृदा बलुई मृदा होती है। कहते हैं ग्रेनाइट से जो बनी हुई मृदा होती है वो क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। जबकि चूना पत्थर से बनी जो दोमट मिट्टी होती है, चूना पत्थर से कौन सी बन रही है, दोमट मिट्टी बनती है, वो अच्छी उर्वरता वाली होती है। पैतृक पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण एक ही मृदा का निर्माण करते हैं, एक ही मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों की जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा भारी पैतृक पदार्थों पर विकसित मृदा की बजाय अपेक्षा अधिक गहरी होती है। मृदाओं के रंग जैविक पदार्थों पैतृक पदार्थों से संबंधित होते हैं। देखो ध्यान से, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती होती है। यहाँ लिख देना कि जो क्या होती है, बालू पत्थर होता है, जैसे बालू पत्थर बलुई पदार्थ और बेसाल्ट और चूना पत्थर मृतिका पदार्थ पैदा करते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ से लिखना, ग्रेनाइट से बनी हुई जो मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी होती है जिसकी उपजाऊता कम होती है। चूना पत्थर से जो बनी हुई मिट्टी होती है वो क्या होती है, अच्छी उर्वरता वाली होती है। यहाँ तक लिख के उसके बाद फिर यहाँ लिखना कि हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा भारी पैतृक पदार्थों पर विकसित मृदाओं की अपेक्षा अधिक गहरी होती है। ये सब लिख लेना, बीच की चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्थल आकृति, तो पृथ्वी की अनियमित सतह स्थल आकृति कहलाती है। यह एक निष्क्रिय कारक है जो जल एवं तापक्रम के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, एकदम ढलान वाले क्षेत्रों में जल के तीव्र गति से बहने के कारण मृदा कम विकसित एवं कम गहरी होती है। कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होती है, ढलान पाए जाते हैं, तो ढलान पाए जाने के कारण वहां मृदा अपरदन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पानी सारा पानी के साथ मृदा सारी बहकर कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, एकदम ढलान वाले क्षेत्रों में जल की तीव्र गति के प्रवाह के कारण मृदा कम विकसित और कम गहरी होती है। समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे धीरे होता है और मृदा में रिसता रहता है, परिणाम स्वरूप मृदा क्या होती है, गहराई युक्त होती है। आप लोगों को ये लाइन लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या लिखोगे, स्थल आकृतिक दिशाएं भूतल के क्षरण को सीधा नियंत्रित करती हैं। क्षरण जितना अधिक होता है मृदा उतनी कम गहरी होती है, वह मृदा विकास कम होता है। आगे कहते हैं कि अधिक गहराई वाली जो मृदा है परिच्छेदिका में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। कि जहाँ गहराई ज्यादा होती है, ज्यादा गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है तथा जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक रहती है। ऐसी मृदाएं निरंतर नम बनी रहती है। इस प्रकार की क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक पाई जाती है, लेकिन मृदा में जीवांश पदार्थों का मंद विच्छेदन होने के कारण वनस्पतिक पदार्थ एकत्रित होते जाते हैं। यदि वर्ष में कई महीने तक क्षेत्र आर्द्र बना रहता है तो पीट और मक मृदाओं का निर्माण होता है। पीट मृदाओं में जीवांश पदार्थों को आंशिक विघटन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि मक मृदाओं में क्या होता है, जीवांश पदार्थ पूर्ण अपघटित होता है एवं पौधों के अवशेष को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। यदि आसपास मृदा से निचले स्थानों पर लवण संग्रह होता है तो ऐसे स्थानों पर लवणीय दलदली मृदाओं का निर्माण होता है। तो ये तो इजी है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है समय। तो कहते हैं कि समय मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक होता है। पूर्ण विकसित मृदा में पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती है, जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। अविकसित मृदा धीरे धीरे समय के साथ पूर्ण विकसित होती जाती है। मतलब जितना ज्यादा मृदा को विकसित होने में टाइम लगेगा, मृदा उतनी ही क्या होगी, अच्छी तरीके से विकसित होगी, ठीक है। धीरे धीरे मृदा का विकास होता है। मृदा का विकास होने में कई साल लग जाते हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। संस्तरों का विकास समय के साथ साथ किस पे, बाकी सारी चीजों पे, किस किस पे, समय के साथ साथ जलवायु, पैतृक पदार्थों की प्रकृति, जीव मंडल तथा
स्थल आकृति के पारस्परिक कारकों पर निर्भर करता है। उष्ण आद्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल एवं जीवांश पदार्थ की अधिकता होने के कारण संस्तरों का विकास क्या होता है, द्रुत गति से, मतलब बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, आगे कहते हैं अनुकूल दशाओं में के अंतर्गत, यहाँ से आप लोग यहाँ में ये बात लिखेंगे कि एक अनुकूल दशाओं के अंतर्गत एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका के विकसित होने में 200 साल लग जाते हैं। कम अनुकूल परिस्थितियों में इसको विकसित होने में हजारों साल लग जाते हैं। समतल अपरदन रहित अधिक वर्षा वाले सरलता से अपक्षयित पैतृक पदार्थों की उपस्थिति में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के साथ साथ मृदा निर्माण गति से होता है। महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु में इतना कोई खास टॉपिक नहीं है हमारे। हाँ, एक ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वाले दो पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मृदा का ऊर्ध्वाधर कार्ड जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है ये पीछे नहीं दी हुई, ये वाली डेफिनेशन पीछे नहीं दी हुई कि मृदा परिच्छेदिका में ए और बी संस्तर का जो संयुक्त रूप होता है वो मृदा सोलम कहलाता है। ये डेफिनेशन बुक में पीछे कहीं नहीं दी हुई, ये बुक में यहीं पे दी हुई है। तो हालांकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, पर आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है और कल अपने नया चैप्टर करेंगे। तो मैंने आप लोगों को जो जो लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं आप सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी लाइंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।